सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीव मिश्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जंगलों और पहाड़ों से घिरे पलामू और गढ़वा जिले झारखंड के दो बेहद ही खूबसूरत जिले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं संजीव मिश्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले को कंपेयर करके बताऊंगा कि दोनों में से कौन सा जिला सबसे विकसित और सुंदर है। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि आज की ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर लें, ताकि हमारे चैनल की सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पलामू और गढ़वा जिले के बीच कंपैरिजन करने के लिए इन मुख्य बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। नंबर वन, एरिया। दोस्तों, एक और गढ़वा जिला है जिसका टोटल एरिया 4044 स्क्वायर किलोमीटर का है, वहीं दूसरी ओर पलामू जिला है जिसका टोटल एरिया 5043.8 किलोमीटर का है। यानी एरिया के लिहाज से पलामू जिला गढ़वा जिले से बड़ा है। नंबर टू, पॉपुलेशन। दोस्तों, 2011 की जनगणना को देखें तो जहां गढ़वा जिले का टोटल पॉपुलेशन 13,22,000 के करीब है, वहीं पलामू जिले का टोटल पॉपुलेशन 19,36,319 है। यानी कि मैन पावर के मामले में पलामू जिला गढ़वा जिला से आगे है। नंबर थ्री, सेक्स रेशियो। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार गढ़वा जिले का सेक्स रेशियो 935 महिला प्रति 1000 पुरुष है, वहीं पलामू जिले का सेक्स रेशियो 928 महिला प्रति 1000 पुरुष है। यानी कि इस मामले में गढ़वा जिला पलामू जिले से थोड़ा सा आगे है। नंबर फोर, लिटरेसी रेट। दोस्तों, पलामू जिले का लिटरेसी रेट 63.63% है, जबकि गढ़वा जिले का लिटरेसी रेट 60.33% है। यानी कि साक्षरता दर के मामले में पलामू जिला गढ़वा जिले से थोड़ा सा आगे है। नंबर फाइव, इकोनॉमी एंड पर कैपिटा इनकम। दोस्तों, इकोनॉमी और पर कैपिटा इनकम की बात करें तो एक और पलामू जिला है जहां का इकोनॉमी मुख्यतः कृषि पर आधारित है। इसके अलावा पर्यटन भी यहां के इकोनॉमी में काफ़ी सहायक है। दोस्तों, पलामू जिले का पर कैपिटा इनकम 14,536 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है, जबकि गढ़वा जिले की इकोनॉमी भी मूल रूप से कृषि पर आधारित है, जबकि यहाँ का पर कैपिटा इनकम 11,595 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है। यानी पलामू जिला इस मामले में भी गढ़वा जिले से थोड़ा सा आगे है। नंबर सिक्स, हेल्थ एंड हॉस्पिटल। दोस्तों, बात अगर स्वास्थ्य सेवा की हो तो पलामू जिले में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, दो सब डिविजनल हॉस्पिटल, 11 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और 21 प्राइमरी हेल्थ सेंटर मरीजों के सेवा में उपलब्ध है। वहीं बात अगर गढ़वा जिले की हो तो गढ़वा जिले में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, 7 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और 10 प्राइमरी हेल्थ सेंटर मौजूद है। यानी सेवा क्षेत्र में पलामू जिला गढ़वा जिला से आगे है। नंबर सेवन, एजुकेशन। दोस्तों, बात अगर एजुकेशन की हो तो एक तरफ तो हमारा गढ़वा जिला है जहां पर 1435 स्कूल्स और आधा दर्जन के करीब कॉलेजेस हैं, वहीं दूसरी ओर पलामू जिला है जहां पर टोटल 2641 स्कूल और लगभग 1.5 दर्जन के करीब सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस हैं। नंबर एट, ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों, गढ़वा जिला सड़क और रेल मार्ग से भारत के विभिन्न हिस्सों से जुड़ा हुआ है। गढ़वा रेलवे स्टेशन पर कई सारी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का पड़ाव भी है। वहीं गढ़वा जिले से नेशनल हाईवे 75 भी होकर गुजरती है। गढ़वा जिले में दो मेजर बस स्टैंड है, पहला रंका रोड गढ़वा बस स्टैंड और दूसरा टाउन बस स्टैंड, जहाँ से झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कई शहरों के लिए बस सेवाएँ उपलब्ध हैं। वहीं पलामू जिला भी सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। पलामू जिले के महत्वपूर्ण सड़कों में नेशनल हाईवे 139 मुख्यतः शामिल है, जबकि यहां का रेलवे स्टेशन डाल्टेनगंज रेलवे स्टेशन है। नंबर नाइन, टूरिस्ट प्लेसेस। दोस्तों, गढ़वा जिले में घूमने योग्य स्थानों में सुखलदरी वाटरफॉल्स, पारस डी वाटरफॉल, राधा कृष्ण मंदिर और गढ़ देवी मंदिर आदि शुमार हैं। वहीं पलामू जिले में घूमने योग्य स्थानों में बेतला नेशनल पार्क, पलामू टाइगर रिजर्व और पलामू किला जैसे खूबसूरत और शानदार पर्यटन स्थल शामिल हैं। नंबर टेन, क्राइम रेट।
दोस्तों क्राइम रेट की बात करें तो गढ़वा जिले का क्राइम रेट 2018 में 159.06 था, जबकि पलामू जिले का क्राइम रेट 135.11 था। यानी कि पलामू जिला में गढ़वा जिला के मुकाबले में काफ़ी कम अपराध हुए थे। तो दोस्तों गढ़वा और पलामू जिला में आपको सबसे ज़्यादा विकसित और सुंदर जिला कौन सा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर सेट कर लें, ताकि हमारे चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों अगली वीडियो आप किस शहर या किस जगह की देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।